अस्सलाम वालेकुम, एस्ट्रिक्स टेक इन्फो की नई वीडियो के साथ एक बार फिर आपके सामने हूँ। आप लोगों को वेलकम कहता हूँ, और जो पुराने वापस आ रहे हैं उनके वो वेलकम बैक। आज की हमारी वीडियो जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल तमाम टीवी मॉडल्स के बारे में है, और तमाम टीवी ब्रांड्स जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं उनमें से 6 बेस्ट ब्रांड मैंने आपके लिए मुंतखब किए हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक पूरा देखें, ताकि मैं तमाम टीवी के बारे में जो भी आपको डिटेल बताऊँ वो कहीं पर भी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं और बताता हूँ आपको कि सबसे पहले लिस्ट में मेरे पास कौन सा टीवी है। वीडियो की तरफ चलते चलते रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए बात करते हैं पहले टीवी के बारे में। टीवी जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि अब हर घर की ज़रूरत है, और खाली ज़रूरत ही नहीं है बल्कि एक लग्जरी भी बन गई है। और कुछ लोगों ने तो मुख्तलिफ कमरों में मुख्तलिफ मॉडल्स रखे होते हैं, टीवी लाउंज के लिए अलहदा, बेडरूम के लिए अलहदा, और जो है बच्चों के कमरे के लिए अलहदा किस्म का मॉडल उन्हें चाहिए होता है। लेकिन सब लोग तो ये लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये पहला टीवी है। इंतहाई मुनासिब कीमत में मार्केट में अवेलेबल है, और इसमें वो तमाम जदीद फीचर्स, स्मार्ट फीचर्स मौजूद हैं जो आजकल सब लोग चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं गेमिंग करना या इंटरनेट से कनेक्टिविटी या एंड्रॉयड टीवी, वो तमाम खसूसियात इसमें मौजूद हैं। इसके तमाम मॉडल्स में ये खसूसियात मौजूद हैं। इसमें छोटे से लेकर बड़े तक तमाम साइज़ अवेलेबल हैं, और ये मार्केट में प्राइस की कंपटीशन को अगर देखते हुए बात करें तो ये काफ़ी मुनासिब कीमत में अभी भी आपको मिल जाता है। और अक्सर इस पर ऑनलाइन डील्स भी लगती रहती हैं, जिसमें आप इसको मार्केट की प्राइस से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा महंगे टीवी अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस ब्रांड के लिए जाएं, इंशाल्लाह खुश रहेंगे इसको लेके। दूसरा मार्केट में जो टीवी है जो मुझे जिसने रिसेंटली बहुत ज़्यादा मुतासर किया है और ताज़ा हवा का झोंका मैं कहूँगा नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है टीवी की ब्रांड्स में, उसका नाम है जी हाईसेंस। हाईसेंस को जिस तरह से मैंने देखा है और जिस तरह मैंने टेस्ट किया है इसके मुख्तलिफ टीवीज़ की पिक्चर क्वालिटीज़ को और इसके फीचर्स को, मुझे लगता है कि ये मार्केट का नया सुपर ब्रांड होने वाला है। ये बड़े ब्रांड्स को टक्कर देगा बहुत जल्दी, क्योंकि तमाम चाइनीज़ ब्रांड से अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी और फीचर्स दे रहा है। हालांकि अभी इतना नॉन ब्रांड नहीं बना पाकिस्तान में, क्योंकि लोगों ने भी इसको ट्राई करना शुरू नहीं किया, लेकिन तमाम बड़े स्टोर्स पे और तमाम बड़ी जगहों पे जहाँ से भी आप ऑनलाइन डीलरशिप से आप इसको ख़रीद सकते हैं, और ये हर तरह से इसके तमाम मॉडल्स अवेलेबल हैं, अवेलेबिलिटी में कोई इशू नहीं है। और पिक्चर क्वालिटी इसकी जो है वो आपको जो आप बड़े ब्रांड जिनका नाम लेते हैं, आप मार्केट के किसी भी बड़े ब्रांड का नाम लें उसके साथ रख के आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड जो पहले से पाकिस्तान में चल रहे हैं जैसे हायर, इकोस्टार और चैंग होंग रूबा, उनकी क्वालिटी को अगर इसके सामने आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आप बहुत ही कोई चीप ब्रांड जो है वो इसके सामने रख के देख रहे हैं। इसकी क्वालिटी इस लेवल की है, तो मुझे ये टीवी जो है लगता है कि वो फ्यूचर में बड़े ब्रांड्स को टक्कर देने वाला है। इसकी प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं ओरिएंट से, लेकिन पिक्चर क्वालिटी भी उस हिसाब से उससे बहुत बेहतर है। इसके बाद ये बारी आती है उस ब्रांड की जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम बना चुका है, और बहुत बाद में टीवी इंडस्ट्री में ये आया और बहुत जल्दी इसने अपना नाम बनाया, ना सिर्फ स्मार्ट फीचर्स में, यूएसटी टीवीज़ में, एसटी टीवीज़ में, एलईडीज़ में, तमाम टीवी इसने अपनी वसी रेंज दी और पूरी दुनिया में इसने अपना नाम बना लिया। और अभी रिसेंटली इसने अपने सेल फोन्स भी मुतारिफ़ करवाए हैं टेक्नोलॉजी की मार्केट में, और बहुत जल्दी आप इसके बहुत सारे फ़ोन्स डिफरेंट प्राइसेस में देखेंगे मार्केट में आते हुए पाकिस्तान में भी। TCL की बात कर रहा हूँ जी मैं, और TCL के जो टीवी हैं वो आप लोग तकरीबन आप में से काफ़ी लोग एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि किस क्वालिटी के हैं। पाकिस्तान में अगर आप बेस्ट चाइनीज़ ब्रांड की बात करें तो TCL इज़ वन ऑफ देम। TCL के जो पिछले कुछ अरसे से जो मॉडल्स आ रहे हैं, स्पेशली जो सी सीरीज़ है इसकी, इस सीरीज़ में दुनिया की तमाम बड़े ब्रांड्स के फीचर्स मौजूद हैं। वो रैम की बात कर लें, रोम की बात कर लें, या परफॉर्मेंस की बात कर लें, या स्क्रीन क्वालिटी की बात कर लें, तो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी आप इसको लेके ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला टीवी ब्रांड हम बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में, वो है जी LG। LG टीवी के बारे में बात करने से पहले आपको एक दो बातें ज़रूर बताता चलूँ कि LG जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपना नाम नहीं बना सका। उसकी दो तीन वजह हैं, तो आफ्टर सेल सर्विस उनकी, और दूसरे जो लेटेस्ट मॉडल उनके बहुत लेट रिलीज़ होते हैं पाकिस्तान में उसकी वजह से, वरना पूरी दुनिया में LG इस वक्त बेहतरीन फर्स्ट टू ब्रांड्स में उसका नाम लिया जाता है। और LG के टीवी जो हैं, स्पेशली वॉलपेपर टीवी और USD टीवी और जो कर्व्ड स्क्रीन के टीवी हैं, वो पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और बेहतरीन सेल्स जनरेट कर रहे हैं। LG की बात कर रहे हैं, आगे दो ही ब्रांड बचे हैं, तो आपको बताता चलूं कि अगर आप लोग बड़ी स्क्रीन के शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि वॉल साइज़ टीवी आपको मिलें, और आप वॉल साइज़ टीवी खरीदना चाहते हैं, लग्जरी आइटम्स खरीदना चाहते हैं, तो आखिरी तीन ब्रांड जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा उनमें LG भी एक है। अगर आपको बहुत बड़े बड़े टीवी पसंद हैं तो ये सिर्फ ये आखिरी तीन ब्रांड्स में ही आते हैं, वॉल साइज़ टीवी जो है वो छोटे किसी ब्रांड में आपको नहीं मिलेंगे। और LG के बारे में बस इतना ही कि अगर आपको इसका कोई टीवी मुनासिब दाम पे मिल जाता है तो आंखें बंद करके ले लीजिए, पिक्चर क्वालिटी और परफॉर्मेंस किसी चीज़ से भी आप धोखा नहीं खाएंगे, और आपके पैसे वसूल परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। जो अगला ब्रांड हमने इस लिस्ट में रखा है वो है जी सोनी का। सोनी को इस लिस्ट में नंबर टू पे रखने की वजह ये है इसकी पिक्चर क्वालिटी। इसकी पिक्चर क्वालिटी आप सब लोग जानते ही हैं कि सोनी हमेशा से नंबर वन ब्रांड रहा है टीवी की दुनिया में, लेकिन अभी इसको नंबर टू पे क्यों रखा है उसकी वजह मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन अभी हम सोनी के टीवी की बात कर लेते हैं, तो इसकी पिक्चर क्वालिटी जब आप शोरूम पर भी देखेंगे, जाकर अपनी मर्ज़ी का कोई मॉडल मुंतखब करके आप इसको दूसरे टीवी से कंपेयर करके देखते हैं, तो आज भी इसकी क्वालिटी आउट क्लास है। मतलब स्क्रीन देखते हुए आपको ऐसा लगता है कि आप रियलिटी में आ गए हैं और वाकई में आपके सामने वो सब कुछ हो रहा है जो आप बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़ी स्क्रीन की बात जैसे मैंने LG के टीवी के दौरान भी आपसे की कि बड़ी स्क्रीन अगर आपको चाहिए, बहुत बड़े बड़े टीवी आपको पसंद है, तो वो आपको सोनी में भी मिल जाएंगे।
ना सिर्फ पिक्चर, इस टीवी की ऑडियो क्वालिटी भी कमाल है। और अगर आप लोग गेमिंग करते हैं, प्ले स्टेशन पसंद करते हैं गेमिंग में, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप फिर सोनी ही खरीदें, क्योंकि सोनी प्ले स्टेशन के साथ जिस तरह से ऑप्टिमाइज्ड है, दूसरे किसी भी टीवी पे आपको वो मज़ा नहीं आने वाला। इसकी पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी और प्ले स्टेशन, ये एक बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन है। बात कर लेते हैं नंबर वन पे कौन सा टीवी है। नंबर वन पे जो टीवी मैंने रखा है वो है जी सैमसंग। हाँ जी, नो डाउट अबाउट इट, सैमसंग का टीवी को नंबर वन पे रखने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है जी उसकी ओलेड स्क्रीन्स, यूएसडी टीवी और उसके क्वांटम डॉट जो टेक्नोलॉजी उन्होंने डाली है टीवी में, उसके अलावा उनकी रैम रोम और जिस तरह से वो उसको परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे हैं, और उनके ब्लैक्स जो टीवी पे नज़र आते हैं, उसके अलावा उनके स्मार्ट फीचर्स स्पेशली वॉइस कंट्रोल्स और उसकी ऑडियो क्वालिटी और उसके साथ कंपैटिबल साउंड बार्स और होम थिएटर सिस्टम्स, यानी आप कोई भी स्मार्ट चीज़ को टीवी से मुंसलिक करना चाहें तो सैमसंग इज़ द वे टू गो। सैमसंग मैं इसलिए भी पसंद करता हूँ पर्सनली क्योंकि इसमें गेमिंग का भी अपना मज़ा है, मूवीज़ आप लगा लें तो वो भी कमाल है, और इसके साथ जो है स्मार्ट फीचर्स जो आते हैं इसके वो इतने अच्छे परफॉर्म करते हैं कि किसी और टीवी में स्मार्ट फीचर्स उतने अच्छे परफॉर्म नहीं करते। उसकी शायद वजह यह है कि एंड्रॉयड टीवी में बहुत लेट आया, जबकि मोबाइल में ये बहुत पहले आ गया था, और मोबाइलों में आने की वजह से, क्योंकि सैमसंग मोबाइल की दुनिया में भी छाया हुआ है और ये जो है एंड्रॉयड के साथ बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो शायद उसके फीचर्स भी इनको इतनी कमांड हासिल हो गई है कि ये टीवी को इसमें इन फीचर्स को टीवी में बड़े अच्छे तरीके से इंटीग्रेट कर पाए हैं, और टीवी जो है वो इसी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि छोटा सा स्मार्टफोन आपके हाथ में परफॉर्म करता है। तो स्मार्ट फीचर्स बहुत ही कमाल चलते हैं इसमें। तो अगर आप फुल लग्जरी चाहते हैं और चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा टीवी हो जिसके तमाम स्मार्ट फीचर्स आपकी वॉइस टोन के साथ, आपकी फिंगर टिप्स के साथ, आपके मोबाइल के साथ और आपके तमाम स्मार्ट चीज़ों के साथ घर में मुंसलिक हो और आपके इशारों पे चलता हो, तो फिर आपको सैमसंग ही लेना चाहिए। बाकी अपने ख्याल भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप किसी खास टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं या उसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।